हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील। सो फ्रेंड्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो क्वेरी थी कि आपके पास में डिग्री नहीं है, एक्चुअली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो उसमें काफ़ी सारे, उस वीडियो को अपलोड करने के बाद भी आपकी कुछ क्वेरीज ऐसी थी जिनको क्लियर करना मैंने ज़रूरी समझा। एक तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा है, एक कमेंट था मेरे पास कानपुर यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने 3 से 4 महीने पहले ही अप्लाई कर रखा था, 3-4 बार उन्होंने विज़िट भी किया है, फिर भी उन्हें उनकी डिग्री अभी तक रिसीव नहीं हुई है। कई लोगों को बीए की रिसीव नहीं हुई, कई लोगों के पास में मार्कशीट है, किसी की लॉस्ट हो चुकी है, तो इस टाइप के काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए। तो आप लोग परेशान नहीं हो, इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप एफिडेविट लगा सकते हैं। मार्कशीट आप लोग के पास में है, मार्कशीट तो स्कैन करके आप अपलोड करोगे ही, आप इसको एफिडेविट में इंक्लूड करवा सकते हैं कि इस रीज़न की वजह से मेरी डिग्री रुकी हुई है या फिर अभी मुझे नहीं मिल पाई है। और वैसे जिनके पास प्रोविजनल है वो तो प्रोविजनल लगा ही देंगे, प्रोविजनल ओरिजिनल में क्या डिफरेंस है इस पर भी कई लोगों को कन्फ्यूजन थे, तो ये भी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से आप एफिडेविट में ये टर्म इंक्लूड करेंगे, ये स्टेटमेंट आप इंक्लूड करोगे कि इस रीज़न से मुझे नहीं मिल पा रही है, और आप एक टाइम स्लॉट दे दोगे उसमें कि इतने टाइम के अंदर मैं मेरी डिग्री जमा कर दूंगा या कर दूंगी, और जो भी आपने उसमें एप्लीकेशन नंबर है या फिर कुछ है तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो, लाइक काइंड ऑफ प्रूफ कि आपने ये चीज़ें लगाई है और आपने अप्लाई किया हुआ है। बाकी जो मार्कशीट रहेगी वो आपको देनी है, ठीक है, तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप सभी लोग ये सोच के बैठ जाओ, ये उनके लिए है जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सारी कोशिशें करके देख ली है। मेरा सजेशन यही है कि इफ़ यू आर थिंकिंग, इफ़ यू नो, इफ़ यू हैव एनी आइडिया दैट यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड और यू कैन बी शॉर्ट लिस्टेड, देन प्लीज़ विजिट योर यूनिवर्सिटी एंड ट्राई टू गेट योर whatever the मार्कशीट, और if you don't have that degree और या फिर कोई सर्टिफिकेट, ऐसी कोई चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं हैं तो प्लीज़ ट्राई टू गेट इट बाई हैंड, ठीक है, वेट ना करें कि आपकी डाक से आ जाएगी। एक कमेंट आया था मेरे पास में कि मैम 15 दिन में आ जाती है, तो देखिए यू डोंट हैव एम्पल ऑफ टाइम, तो आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते कि कब आपके पास में डाक पहुंचाएगा। अगर रीचेबल है आप वहां पहुंच सकते हो, और अगर आपके आसपास है तो प्लीज़ आप जाके विजिट करें, बिकॉज ये आपके फ्यूचर का सवाल है, इस पर बहुत ज़्यादा मंथन ना करें, राइट। अब आती है बात कॉमन एफिडेविट क्या होता है। बहुत सारे कमेंट आए कि मैम कॉमन एफिडेविट क्या होता है, क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंट का वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने इसका जिक्र किया था और उसमें मैंने नटशेल में आपको बताया भी था। कॉमन एफिडेविट होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रेजेंट कर रहे हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो, दैट आई हैव कम्प्लीटेड दिस क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो उसकी एक तरीके से गारंटी लेता है कि जो भी आपने अपलोड किया है या फिर दिया है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, और आपकी इसमें अगर किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा पाया जाता है एरर तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, तो काइंड ऑफ गारंटी होता है कॉमन एफिडेविट। तो आई होप आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं, कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, और समटाइम्स इट्स नेसेसरी टू स्पीक अबाउट देम, क्योंकि ये क्या होता है, नेगेटिविटी स्प्रेड करने का काम करते हैं। अरे भाई, जो लोग पॉजिटिव हैं कम से कम उनको तो पॉजिटिव रहने दो, आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो ख़राब करने पे क्यों उतारू रहते हो? मेक इट वेरी क्लियर कि आपके कुछ भी कहने से या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने से मेरे चैनल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हो तो आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, ये नेगेटिविटी से, इस टाइप की नेगेटिविटी स्प्रेड करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही मैं इस चीज़ पर ध्यान देती हूँ कि मैं अपना आप कंटेंट डालूँ नहीं डालूँ। क्योंकि जब ये मैंने चैनल स्टार्ट किया था, और ये चैनल आज का स्टार्ट किया नहीं हुआ है, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं अगर आप तो आप जानते होंगे कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ हेल्प के लिए, कोई मनी माइंडेड होके मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, एक तरफ आप नवरात्रि में पूजा करते हो और दूसरी तरफ आप
अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हो, जस्ट लुक एट यू, किस टाइप की आपकी अपब्रिंगिंग है. वेल आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक मोर अबाउट दिस, बट देन ऑल्सो ये आपकी अपब्रिंगिंग शो करता है, आपका कल्चर शो करता है. तो प्लीज़ अब्यूजिव लैंग्वेज तो एटलीस्ट यहाँ पे ना यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कमेंट को पढ़ते हैं, ऐसे कमेंट्स को पढ़ के उनके माइंड में भी वो नेगेटिविटी कैप्चर होती है. आप लोग एक मिसगाइड करने का काम कर रहे हो. आप लोग इतने मैच्योर हो, टीचर बनने चाह रहे हो, और आपको सही गलत में कोई डिफरेंस ही नहीं आता है. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट आर दीज? कैसे आप लोग के पास में ये करेज आता है कि आप इस टाइप के स्टेटमेंट दे देते हो? आई वॉज रियली एस्टॉनिश्ड टू सी सच काइंड ऑफ कमेंट. एक ही कमेंट था जिसमें अब्यूजिव लैंग्वेज थी, और उस पर अगर मैं कुछ ना कहूँ तो वो बिल्कुल गलत होगा. तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने से पहले आप ये भी सोच लो कि आपकी टंग पे ही एक ब्लैक स्पॉट पड़ रहा है, राइट? तो प्लीज़ इस तरीके की हरकतें ना करें. फिर भी मैं आपको रेस्पेक्टेड करके ही मैंने उसका रिप्लाई दिया है, एंड थैंक्स टू ऑल पीपल. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे एक बोला जाता है जो काउंट है वो ऐसे लोगों का है, ऐसे सब्सक्राइबर्स का है, ऐसे व्यूअर्स का है जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं. ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे भी मतलब हैं जिनका स्टेटमेंट ही जय माता दी से स्टार्ट होता है. तो मतलब कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी बोल दोगे, और कोई आपके पास में काम ही नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ इस तरीके की हरकतें ना करें. अपने काम को, अपने लक्ष्य को, अपने टाइम को कुछ अच्छी चीज़ों में डिवोट करें, और कोशिश करें कि आपके किसी ना किसी काम से किसी के फेस पे स्माइल आ सके, और वो चाहे आप किसी भी रूप में करें. तो मेरे हिसाब से जीवन का जो सही अर्थ है वही होता है. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा करके आप मुझे डाउन कर सकते हो, तो आई एम सॉरी टू से दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. वो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने जो मोटिव लेके ये चैनल स्टार्ट किया है वो मोटिव मेरा मैं एक दिन ज़रूर कंप्लीट करूँगी. और वो मोटिव जो मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है, पर्सनली जो ग्रुप में एडेड है उनको अच्छे से पता है कि कितना मनी माइंडेड ये चैनल चल रहा है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम. इफ यू हैव एनी ऑफ द